दोनों घुटने खराब हैं, दोनों कंधे खराब हैं, कमर में अभी 3 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ। ये जो काम कर रहा हूँ ना, अपने आप को पागलपन में रखता हूँ तो कर रहा हूँ। अगर रियलिटी की तरफ देखूंगा तो सारा दिन पेन किलर ही खाता रहूंगा। मैंने जिंदगी में बहुत काम किए पर चला कोई नहीं, बस ये काम किया और ये करते ही चल पड़ा, फिर इसी पे रुक गए। सब मेरे पागलपन का फायदा उठाने आते हैं। मैं तो रोज खाता हूँ, मेरा कॉलेज पीछे ही है। अंकल जी बहुत टेस्टी बनाते हैं, खा के देखिए आप कहीं और भूल जाएंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, क्या हालचाल आपके? हाल आपके आते ही ठीक हो गए, पहले खराब थे। क्या बना रहे हो अभी आप? हम तो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। गाड़ी पार्किंग पे लगाने से पहले ही मैं आपको देख के पहचान गई, मतलब शक्ल ना सब जानता। नहीं तो मेरे जैसा स्मार्ट लड़का तो आपको पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। सुबह तो आप काम करते हो, रात को नाइट कॉलेज में जाते हो, बॉयज कॉलेज में? जहाँ मैं खड़ा होता हूँ कॉलेज वहीं आ जाता हूँ। 5 घंटे की नींद करता हूँ, रात 1 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। यहाँ 7:30 तक, 9 बजे चटनियाँ बननी शुरू होती हैं, चटनियाँ बनते हैं, बर्तन साफ सुफ होते, 1 बज जाता, 12:30 बज जाते हैं, आधा घंटा नहाने धोने में, 1 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे प्याज कटने शुरू हो जाते हैं, फिर मंडी जाना। मैंने सुना आपकी चटनी बहुत ज्यादा स्पेशल है। वही स्पेशल है। मुझे तो ये इतनी ज्यादा भीड़ जो आपने इकट्ठा कर रखी है वो किस चीज की है? मेरी खूबसूरती की वजह से। स्मार्ट नहीं हूँ मैं, मतलब इतने भी स्मार्ट नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है शाहरुख खान यहाँ पे आ रखे। नहीं नहीं, किसका नाम ले दिया? मैंने बताया ना, मेरा तो जन्म ही नारी सेवा के लिए हुआ। अच्छा, आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? अरे यहाँ हीरोइने कम है, जहाँ वहाँ देखने जाऊँ इतनी दूर, यहाँ से ताजा माल है यहाँ। ये बताइए पैकिंग का कैसे काम, मतलब पैकिंग भी चलती रहती है? मेन काम ज्यादा पैकिंग का ही है। तो ये जो रेसिपी है बिल्कुल सेट रेसिपी है भाई, मुझे भी सिखा दो। हाँ जरूर सिखाएंगे, मैं भी चाहती हूँ कि सीखूं और मैं भी यहाँ बगल में ही लगाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ पे, मुझे पता है पैसे आने ही आने, यहीं भी लगाऊंगी। चलो फिर पार्टनरशिप कर लेंगे, जब आपका साथ होगा तो फिर डॉलरों में ही बेचेंगे। तो कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? मेरी 38 साल, 38 ईयर्स। और आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। कम नहीं बता दिया आप? नहीं उम्र दिल से है ना बेटा। अच्छा यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी हो रहा है भाई, प्याज वाली नहीं है? हाँ ये सब पीनट वाली, ये सब चलता रहता। तो भाई पूरा याद रखते हो किसकी कैसे बननी है? तुम्हारी आंटी बादाम खिलाती है मेरे को। मेरा तो बादाम का बजट ही नहीं बन पाता। अब जब मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो बन जाएगा। ये इनकी पैक करनी है ना, थोड़ा बादाम तू भी खाया कर। भेलपुरी कुछ ऐसी है ना, इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। एक गिलास भर लियो यार। यार आप ना अगर ये नहीं जाते ना, आप ना कपिल शर्मा को पीछे छोड़ दोगे। कपिल शर्मा कॉमेडियन नहीं है, वो दूसरे की इंसल्ट करता, वो सिर्फ सामने वाले की इंसल्ट करता तो लोग हंस पड़ते हैं, उसको कॉमेडी के 2 शब्द नहीं आते। मतलब बिना बेइज्जती करे भी कॉमेडी हो सकती है? हाँ क्यों नहीं, मैंने किसकी इंसल्ट करी? ये लोग आराम करने देते हैं, आपको नहीं करने देते? नहीं कई बार मिल जाता आराम। भाई एक चीज अच्छी है, जो बन रहा है बिल्कुल फ्रेश बन रहा है। और रेट क्या रहता है इसका? सिर्फ 60 रुपए। भेलपुरी का काम क्यों है, इतनी सारी चीजें? बस बहुत कुछ किया था, कुछ चला नहीं, ये किया ये करते ही चल पड़ा, फिर यहीं रुक गए। मतलब हाथ बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। मुझे बताओ आप आंटी को क्यों नहीं लेके आते? आ यार क्यों डरा रहे हो, सुबह सुबह अच्छे वाले मूड में था, झटका दे दिया। अरे आपको क्या पता, ये तो पापा से पूछना ना, मम्मी का क्या डर क्या होता। मैं कह रही हूँ आप तो देख के शहंशाह लग रहे हो घर के। पर वहाँ शहंशाह ही नहीं ना चलती। मुझे लगता है जितने दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं ना, वो भी घर में जाकर चूहे बन जाते होंगे। एक बार शेर की शादी बकरी से करा दी थी, शेर ममियाने लगा, बकरी घुर्राने लगी। हर घर जाके हिसाब किसको देते हो आप? बीवी को। ए टू जेड देना पड़ता है? अरे मेरा तो मन करता पड़ोसन को भी दे दूं, पर बीवी देने नहीं देती। दिल तो बहुत बड़ा मेरा पर कोई लेता नहीं। बाकी सब तो ठीक है यार, लेकिन ना काम कर रहे हो, मौज मस्ती में हो, बिल्कुल जॉली नेचर में हो, क्या राज क्या है, कुछ तो होगा सीक्रेट? बस थोड़ा पागलपन है इसीलिए जी रहा हूँ, नहीं तो दोनों टांगे खराब है, दोनों कंधे खराब है, कमर में फ्रैक्चर हुआ हुआ है, बस इसी पागलपन की वजह से ही जी रहा हूँ। तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं देता, थोड़ा पागलपन में रहता हूँ, अगर थोड़ा रियलिटी की तरफ आऊंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज बोलूं, ये खड़े होके एक ही जगह पे बनाना ये मुझे आसान नहीं लग रहा। नहीं आप अगर रियलिटी की तरफ ध्यान नहीं दो तो कर सकते हो, बॉडी फिट कभी नहीं होती। अगर आप अपनी तकलीफों की तरफ ध्यान दोगे तो बॉडी कभी फिट नहीं रहेगी, जो आपकी बॉडी में तकलीफ है उसको भूल जाओ तो आपकी बॉडी फिट है। ये आपने किसी से सीखा है काम या फिर मजबूरियों से? मैंने जिंदगी में बहुत काम किए पर चला कोई नहीं, बस ये काम किया और ये करते ही चल पड़ा, फिर इसी पे रुक गए। फिर वो कहते हैं ना चलते काम से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये काम चल पड़ा फिर इसी पे रुक गए। लड़कियां क्या बोलती हैं आपको? मैं सिर्फ भैया ही सुनता हूँ, बाकी सुनता ही नहीं, बाकी मेरे कान खराब है। नाम जैसा आपका सुनील शेट्टी पड़ गया? नहीं मेरा नाम रियल सुनील शेट्टी है, मुझे सुनील शेट्टी की शक्ल नहीं पता, शिल्पा शेट्टी की पता, शिल्पा शेट्टी को तो आंखें बंद करके पहचान लूंगा। तो भेलपुरी बना दो मस्त चटपटी, जिसे खा के दोनों कान खुल जाए। मिर्ची कैसी? मीडियम। आलू भी हल्द्वानी का बेटे, आम आलू नहीं है, हल्द्वानी का आलू है भाई, क्वालिटी डाल रहे हो तभी तो अभी तक चल रहा है आपका। लेमन देखो इतना मोटा लेमन पूरी यूनिवर्सिटी में किसी के पास नहीं मिलेगा। और ये लेमन की क्वालिटी भी देखो यार, क्या मस्त क्वालिटी के इस्तेमाल करे जा रहे हैं आप। चटनी आज मैं बेशक मुझे राज बताओ ना बताओ। अकेले खाओगे इसको भी खिलाओगे? इसको नहीं खिलाओगे ठीक। तो भाई मैं आ गई हूँ भेलपुरी खाने के लिए यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे ना इतनी मजेदार तरीके से बनाया जाता है इसको, जो बताने का तरीका है ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्लस जो रेसिपी है भाई वो बताने के तो 2.5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि मुझे बिजनेस पार्टनर बना देंगे, वो चीज सुन के मैं
थोड़ी बहुत खुश हो गई हूँ। ये देखो भाई इतनी क्वांटिटी आएगी 60 रुपए की, तो इसको खाते हैं पहले। मस्त मजेदार है, एकदम टेस्टी है। मेरे को ना भेलपूरी ज्यादा खाना पसंद नहीं है, लेकिन इसमें जो चटनी और नींबू डाला हुआ है उससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार आ रहा है यार। मैंने ना बहुत जगह ट्राई करी है भेलपूरी, सच में जेन्युइनली बोल रही हूँ। अगर यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो एक बार इसको जरूर ट्राई करना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं यहाँ पे इसको एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना है तो मीठे खाते रहिए।